तो ये कितनी बढ़िया हमारी आलू और कटहल की सब्जी बनके तैयार है, बिल्कुल मसालेदार। कटहल की सब्जी के लिए हम सबसे पहले एक थाली लेंगे, उसमें आप कोई भी तेल इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो तेल को थाली में लगा दें और अपने हाथों को भी तेल लगा लें, ताकि ये जो कटहल का जो दूध होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाथों को चिपकता है और बर्तन को। तो आप तेल लगा देंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं चिपकेगा। तो ये लगभग हमने कटहल हाफ के जी के आसपास लिया है, 500 ग्राम के आसपास है। तो उसे हम इस प्रकार के शेप में हम काट लेंगे। शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमने छीलने के लिए इस प्रकार के शेप को काटा है, ताकि ये छीलने में ये देखिए बिल्कुल आसानी हो। तो सारे कटहल को हमने इस प्रकार से छील लिया है, और कटहल को छीलने के समय आप बारीकी से छीलेंगे, क्योंकि इसका जो गुदा होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो इस प्रकार के शेप में हम कुछ काटेंगे इसे। तो इसके छिलके को छीलने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि अपने हाथों को तेल ज़रूर लगाएं, कोई भी तेल आप लगा लो। तो ये हमने काट के इस प्रकार से फाइनली तैयार कर लिया है। अब हम इसे बॉयल करके पका लेंगे। तो इसे कवर करके हमने पानी डाल के इसे बॉयल किया है। तो यहाँ पे एक उबाल आने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, उसके बाद फिर से हम इसे ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये कटहल जो है अच्छे से पक गया है। तो हम एक फिर से फ्राई पैन लेंगे और उसमें तेल डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली कटहल को तेल में ही फ्राई करके पका सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ज़्यादा तेल लगता है हमें, तो इसलिए हमने इसे बॉयल करके पका के उसके बाद तेल में इसे ऊपर से एक लेयर इसकी कोटिंग कर दिया है हमने, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये देखिए हमने सारे कटहल को निकाल लेंगे। तो फाइनली हमने निकाल लिया है। अब जो तेल बचा है इसी में हम पंचफोरन डालेंगे एक चम्मच, उसके बाद दो सूखी मिर्च, और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हमने 6 से 7 लिया है और 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो प्याज इस रेसिपी में थोड़ी सी ज़्यादा डालें, ताकि ये जो सब्ज़ी बनेगी बहुत ही बढ़िया और मसालेदार बनेगी। तो इसे हम प्याज को थोड़ी सी कवर करके इसे पकाएंगे। तो इस प्रकार से आप कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। तो ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। लहसुन हमने 8 से 10 कलियाँ लिया है, और अदरक का जो टुकड़ा हमने लगभग 1.5 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी और नमक डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से प्याज हमारा जो है सॉफ्ट हो सके। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो तीखी मिर्च वाली जो पाउडर होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला ये बिल्कुल तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला भून रहा है। तो ये देखिए मसाला हमारा भूनने के बाद फाइनली हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का प्योरे तैयार किया था, मिक्सी जार में हमने पीस के डाला है। तो टमाटर को हम डाल लेंगे, और इसे भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे फ्लेम को आप हाई भी कर सकते हैं, जैसे मीडियम टू हाई पे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला भूनने के बाद हमने इसमें 2 आलू, मीडियम साइज़ के 2 आलू को बॉयल करके इसमें डाला है। आप चाहे तो आलू को फ्राई करके भी डाल सकते हैं इसमें, हमने बॉयल करके इसमें डाला है। इस प्रकार के शेप में काटा है, ताकि ये जो सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी डिलीशियस लगे, बिल्कुल यूनिक लगे। तो यहाँ पर हमने ये 5 रुपये वाली जो मैगी मसाला आता है तो उसे हम ऐड करेंगे। आप इस प्रकार से बनाएंगे, ये इसका सीक्रेट है। तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल यूनिक इसका टेस्ट आएगा। तो फाइनली अब हम फ्राई किए हुए कटहल को इसमें डालेंगे।
और डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी पानी आप ऐड कर लें आपको पसंद हो तो, या आप सूखी सब्जी भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पानी डाल के इसकी जो ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी वाली होती है ना, तो उस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। तो फाइनली ये हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गर्म मसाला डाल के, हरी धनिया डाल के इसे अच्छे से मिला के गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी भी बनी है, लग रहा है ना बिल्कुल होटलों जैसी ये सब्जी। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा कटहल और आलू की ये जो सब्जी बनी है, बिल्कुल कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए कितनी बढ़िया ये सब्जी बनके तैयार हुई है, तो आप भी बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।